5 अक्टूबर से क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। अगले 45 दिनों तक भारत में क्रिकेट का खुमार चढ़ा रहेगा। अगले 4 सालों के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का बादशाह कौन होगा, 20 नवंबर 2023 को पता चल जाएगा। इस बार ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है। ऐसे में भारत में विश्व कप के आयोजन का बड़ा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा, कैसे चले जानते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज बैंक ऑफ बड़ौदा ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे वर्ल्ड कप के चलते भारत के GDP को 22,000 करोड़ रुपए यानी कि 2.65 बिलियन डॉलर का बूस्टर डोज मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्थशास्त्री जानवी प्रभाकर और अदिति गुप्ता ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 अक्टूबर से देश क्रिकेट फीवर की गिरफ्त में होगा। ये चौथा मौका है जब भारत में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। 45 दिनों तक 10 देशों के बीच देश के अलग अलग सेंटर्स पर कुल 48 मैच खेले जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 25 लाख लोग देश के 10 लोकेशंस पर 48 मैचों को स्टेडियम में लाइव देखेंगे, जबकि विश्व भर में अपने घरों पर बैठकर करोड़ों लोग मैच का लुत्फ उठाएंगे। इस लेवल के टूर्नामेंट के आयोजन से सीधा लाभ अर्थव्यवस्था को पहुंचता है। पूरी दुनिया से विश्व कप के मैच देखने के लिए लोग भारत आएंगे। ऐसे में जाहिर है कि टिकट सेल्स पर जबरदस्त खर्च लोग करने वाले हैं। इसके अलावा एविएशन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इसका फायदा मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होटल्स, फूड इंडस्ट्री के साथ डिलीवरी सर्विसेज के बिजनेस में जोरदार उछाल आने की संभावना है। इसके अलावा मर्केंडाइज की खरीदारी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। क्रिकेट के विश्व कप के साथ साथ फेस्टिव सीजन भी है, ऐसे में रिटेल डिमांड में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी रिपोर्ट में हर सेक्टर एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड कप से आने वाले रेवेन्यू पर डेटा तैयार किया है। मैच के टिकट सेल्स पर 1600 से लेकर 2200 करोड़ रुपए लोग खर्च करेंगे। इसके अलावा टीवी OTT पर टूर्नामेंट को देखने वाले दर्शकों की संख्या 2019 के विश्व कप के 552 मिलियन से ज्यादा रहने की उम्मीद है। स्पॉन्सर टीवी राइट्स पर 10,500 से लेकर 12,000 करोड़ रुपए कम से कम खर्च आने की उम्मीद है, जिसमें डिजिटल और टीवी मीडियम का ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट राइट्स भी शामिल होने के साथ इवेंट के दौरान विज्ञापन के लिए प्रमुख प्रायोजकों की तरफ से किए जाने वाला खर्च भी शामिल है। वर्ल्ड कप के दौरान टीमें देश के एक से दूसरे कोने तक ट्रैवल करेंगी, जिस पर 150 से लेकर 250 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है, जिसमें होटल्स में ठहरने का खर्च भी शामिल है। टीमों के अलावा एम्पायर और कमेंटेटर भी शामिल होंगे। वर्ल्ड कप विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। हर मैच के लिए 1000 टूरिस्ट संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये टूरिस्ट होटल, फूड, ट्रैवल, शॉपिंग पर 450 से लेकर 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। घरेलू पर्यटक भी वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करेंगे, फूड होटल्स पर खर्च करेंगे, जिस पर 150 से 250 करोड़ रुपए खर्च आने की उम्मीद है। मैच देखने के लिए लोग अपने शहरों में भी ट्रैवल करेंगे, जिस पर फूड और फ्यूल पर 300 से लेकर 500 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्ल्ड कप के दौरान इवेंट मैनेजमेंट, गिग वर्कर और सिक्योरिटी पर 750 से लेकर 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस दौरान स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आइटम्स और दूसरे मर्केंडाइज आइटम्स की खरीदारी पर भी लोग 100 से 200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। रेस्टोरेंट, कैफे में मैच की स्क्रीनिंग और घर बैठकर ऐप के जरिए फूड ऑर्डर करने पर पूरे टूर्नामेंट के दौरान 4000 से 5000 करोड़ रुपए का कारोबार देखने को मिल सकता है। इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए तो क्रिकेट विश्व कप के दौरान कुल खर्च 18,000 से 22,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जिसका फायदा फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में GDP में मजबूत बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिलेगा। इस इवेंट के दौरान टिकट सेल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड डिलीवरी पर GST वसूली के जरिए सरकार को टैक्स रेवेन्यू के तौर पर भी बड़ी कमाई होगी, यानी कि 45 दिनों में जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।